हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे वीक 38 की टीआरपी की, जिसमें अनुपमा जो है वो तो एज यूजुअल नंबर वन पे है, लेकिन 2.4 से वो अब 2.6 पे आ गया है और झनक 2.3 पे ही है इन पोजीशन पे। और ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 पे है, लेकिन लास्ट टाइम वो 4 पे थे, अब वो 3rd पे आ गए हैं। और 4th पोजीशन पे है गुम है किसी के प्यार में 2.1 के साथ। और फिर 5th पे हैं उड़ने की आशा 2.1। लास्ट वीक वो नहीं थे, लास्ट वीक एडवोकेट अंजलि अवस्थी थी, बट ये तो ऊपर नीचे का खेल चलता ही रहता है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो अनुपमा आप कह सकते हैं कि 2.4 से 2.6 पे आया है, तो 0.2 उनका बड़ा है और वो एज यूजुअल नंबर वन पे ही हैं, और झनक नंबर टू पे है 2.3 के साथ। तो क्या बोलोगे आप? आई थिंक द शाह एंड आशा भवन वाला ड्रामा जो था, आई थिंक दैट वर्क, क्योंकि हमेशा से वो रहा है ना, अनुपमा वर्सेस वनराज शाह और अनुपमा वर्सेस द शाह फैमिली हैज ऑलवेज ग्रैंड आईबॉल। तो मुझे लगता है वही हुआ है। वी सॉ दैट एंटायर ड्रामा जहाँ पे बिल्डर ने उनको घर से बाहर निकाला, इन लोगों को आशा भवन जाके रहना पड़ा, फिर हमने देखा अनुपमा को बच्चों को घर से निकालते हुए बिकॉज दे वर मेकिंग टू मच ऑफ हल्ला एंड ऑल। आई थिंक एज ए कैरेक्टर अगर हम बोलते हैं कि अनुपमा से लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, व्हिच इज व्हाई द शो इज नंबर वन, एंड आई थिंक उसके जो एक्शंस है, आई थिंक दैट प्रोबेबली रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि जब उनको घर से निकाला गया था तो हर कंसर्न वॉज ओनली फॉर माँ बाबू जी, वैसी नहीं थी कि महान माँ जो होती है ना, आई थिंक शी वॉज मोर रिलेटेबल माँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तोशु क्या कर रहा है या पाकी क्या कर रही है। और फिर जब हमने देखा कि वो बदतमीजी कर रहे हैं तो उनको वापस से बाहर निकाल दिया। तो ओवरऑल जिस तरीके से अनुपमा को इस हफ्ते प्रोजेक्ट किया है, आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्ड इन देयर फेवर। ड्रामा भी था ऑफ कोर्स, व्हिच इज व्हाई दे वेंट फ्रॉम 2.4 टू 2.6, दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर एक माँ ही हर वक्त दबी जा रही है, माँ बच्चों को बदतमीजी करने दे रही है और माँ ऐसा बिहेव कर रही है कि वो बेचारी सी है, वो सही नहीं लगता है। जहाँ माँ की बात है, जहाँ घर के बड़े होने की बात है, तो आपका हमेशा अपर हैंड ही रहना चाहिए और आपका ही चलना चाहिए वहाँ। ठीक है, आपने एक टाइम पे सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें की, अब वो बच्चे नहीं है, वो लोग कोई छोटे नहीं है, शादीशुदा बच्चों वाले भी हैं, तो ऐसी वाली बात है, तो उसमें ये हरकतें ये नहीं चलती हैं। तो वो उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और वो वैसा ही है, और जिसकी वजह से आई थिंक लोगों को ये चीज ज्यादा अच्छी लगी होगी कि जो जो उसका रोल है ना वो वहाँ वहाँ पे सही खड़ी है, जो उसका स्टैंड होना चाहिए था वो वही कर रही है। और ये इस एज में आके जिस तरह के नखरे दिखा रहे हैं, खुद की गलतियों से कभी नहीं सही होने वाले हैं, तो उनको जो जगह उनकी दिखाई गई है ना वो बेहतरीन थी। और मुझे लगता है यही रीजन है कि वो जो 2.4 हो गई थी वो दोबारा 2.6 पे आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे हमेशा यही लगता है कि अनुपमा को कहाँ कैसे डील करना है वो उसके अंदर अब होना ही चाहिए। उसे किसी के भी नीचे दबने की, किसी के पीछे छुपने की या किसी भी तरह से अपने आप को दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वो सारे रिश्ते निभा रही है और उस सारे रिश्तों को लेके जो चलने वाली बात है ना वो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत सही हो रही है और जिसकी वजह से उनकी टीआरपी बढ़ रही है। झनक के लिए क्या आप बोलोगे, क्योंकि उन्होंने वही पोजिशन पे है ना, वो ऊपर गए ना नीचे गए, वो 2.3 पे ही है। तो आप क्या बोलोगे, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बढ़ रही है, और अगर पोजिशन भी बनाई हुई है तो क्यों बनाई हुई है? When you're going to go in circles, तो position क्यों बढ़ेगी? माना कि the week we are talking about 38 week में we had a lot of drama happening, क्योंकि जनक hospitalized हो गई थी, अनिरुद्ध came for her to Mumbai, मतलब लड़ झगड़ के and all that, but ये सारी चीजें हम देखे हुए हैं, bits and pieces here and there, ये चीजें नई नहीं है। Him trying to be there for her, she trying to reject him, the drama surrounding them and एक मिलने की तड़प, ये सारी चीजें हम देखे हुए हैं in bits and pieces throughout the show. We want more now. Audience wants more now. वो एक कदम ऊपर चले जाते ये उस वीक में, तो शायद इनका नंबर भी 2.3 से ज्यादा हो जाता, मुझे लगता है, क्योंकि the opportunity was gold. इतना बढ़िया ड्रामा उन्होंने सेट किया था कि प्रेगनेंसी नहीं है, she has a severe tumor, surgery is very complicated. So there was a lot of drama and emotions and all, जो सेटअप है उसी में बहुत ज्यादा बिल्डअप था।
तो एज राइटर्स एज क्रिएटर्स देयर जॉब वाज टू मेक श्योर दैट वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करे एंड मैक्सिमम पोटेंशियल डज नॉट कम फ्रॉम रनिंग अराउंड इन सर्कल्स. आपने यही चीज कोलकाता में किया, फिर आप यही चीज कश्मीर में करोगे, मतलब श्रीनगर में करोगे, आप मुंबई में भी यही चीज कर रहे हो, अलग अलग वेरिएशन में ही सही, मगर व्हेन यू लुक एट द बिग पिक्चर दे ऑल रिजेंबल द सेम थिंग. एंड पीपल वांट मोर ऑफ रूना, पीपल वांट डिफरेंट versions of Runak, unka pyar yahan tak hi seemit hai, bas this is it, iske aage kuch nahi hai. So I think that question mark is the reason that the TRP also has given apna jawab wapas se ki bhai tum log itna hi dikhaoge, hum bhi yahan pe hai, we are also not moving from here, 2.3 pe hai, hum yahi rahenge. Mujhe yahi lagta hai kyunki waqai mein ek missed opportunity mujhe lagti hai personally as a viewer that this could have been a turning point in the storyline for Runak especially. उनकी जो जिंदगी है जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है दूसरों की वजह से, खुद की वजह से, वो सारा कुछ एक डिफरेंट दिशा ले सकती थी अगर थोड़ा और उसके ऊपर वर्क करके राइटर्स एंड मेकर्स, बट दे डिड नॉट, दे मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी आई वुड से. सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स द रीजन दैट दे डिड नॉट गो अबाउट एंड द रीजन एंड द टीआरपी स्टक इन दैट सेम पोजीशन. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, जब थोड़ी सी नीचे जाके ऊपर आई थी तो वहां रीजन थी कि आपने एक ओजी अनी को वापस लाया था, वहां एक उम्मीद को वापस लाई थी, वहां आपने बताया था कि अब ये वापस आया है, ये जनक के लिए स्टैंड ले रहा है, जैसे कि हमने अप्पू की शादी के टाइम पे देखा जिस तरह से उसने जनक के लिए खड़ा हुआ, हमने वो चीज देखी, फिर उधर से जनक चले जाते, उन दोनों की कन्वर्सेशन जो होती है वो वाली रीजन की वजह से उनका बड़ा टीआरपी. लेकिन आपने फिर घुमा के उसे वहीं ले आया, आपने जहां और हो सकता था वहीं उसको फिर सर्कल में ही घुमा रहे हो. जैसे आपने बोला बहुत अच्छी बात कि कलकत्ता में हुआ, फिर मुंबई में होगा, फिर श्रीनगर में होगा, फिर किसी और स्टेट आप लेके जाओगे, और पर कहानी की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं, नई दिशा में नहीं जा रहा है, वो सर्कल में ही रन कर रहा है, वही चीजों में रन कर रहा है, जबकि उस वीक जब बड़ी थी तो कुछ थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन, कुछ डिफरेंट था वहां पे, पर ये फिर वहीं आ जाते हैं, फिर वही जनक को गलत, फिर वही अनिरुद्ध का हिस्सा. तो ये बढ़ेगी भी किसी अच्छी वजह से, पर ये सर्कल में ही घूमता रहेगा तो ये यहीं रहेगी. तो वाकई अब इस हाई टाइम के आपकी स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट हमें ट्रैक्स देखने को मिले, कहानी के और भी रूप दिखे हमें वहां पे, ना कि वो बस एक ही सर्कल में घूमता रहे. और देखते हैं कि आगे क्या होता है. एनीवेज बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो फोर्थ पे था एंड अब थर्ड पे आ गया है और 2.2 पे है, लास्ट टाइम आई थिंक वो 2.1 पे था. तो क्या बोलोगे, क्या क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो शादी का चला था, ये जो चला था अरमान का, कि अरमान जाता है, अरमान मना करने के बाद भी जाके अभिरस को हल्दी लगाता है, जिस तरह से शादी की बात होती है, वो एक रीजन हो सकती है. आपको क्या लगता है? I agree, that is one of the reasons for sure, but I think that Abhira ka jo pregnancy wala jo revelation tha na ki ye kabhi maa nahi ban sakti, that se leke jo drama shuru hua tha, kyunki ek side pe humne ye dekha ki wo revelation hone se ghar mein kya bawal hota hai, Manish jis tarike se Abhira ke liye stand leta hai, Podas kis tarike se Abhira ke against mein chale jate hai, Arman kis tarike se confused hota hai, magar fir wo apne aap ko pick up karke, jaise aapne kaha, wo haldi lagane pahunch jata hai, he makes that decision ki nahi, टुमारो का मुझे पता नहीं, मगर आज मेरी जिंदगी में अभिरा नहीं होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू लिव, एंड ही डिसाइड्स टू गेट मैरिड टू हर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. एंड वी आल्सो सो, अगर आप पूरे हफ्ते की बात करें तो द एंड पॉइंट वाज देयर रूही ड्रेसेस एज द ब्राइड एंड ट्राइज टू गेट मैरिड टू अरमान. सो आई थिंक देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ड्रामा. एक ही पॉइंट नहीं था, प्रेगनेंसी ट्रैक, रूही का ड्रामा, मनीष का स्टैंड, अरमान का एक बहुत ज्यादा खुल के अपने प्यार के लिए खड़ा रहना एंड ऑल दैट. आई थिंक सो मेनी थिंग्स हैपेंड दैट एक्चुअली वर्क्ड इन देयर फेवर, जिसकी वजह से वो फोर्थ पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं. बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, और यही एक रीजन है कि बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस आप कह सकते हैं देखने को मिला है उधर, ना कि एक ही चीज को लेके चार तरीके से बताया जा रहा हो, तो वो चीज में गलती होता है, सेम रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड ऑल, ऐसा नहीं है. तो यही एक अच्छी बात है. बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में, आपको क्या लगता है कि किस वजह से वो ड्रॉप हुआ है थर्ड से फोर्थ पे? जो एपिसोड्स इस हफ्ते जो गए थे, जो मतलब वीक 38 में जो गए थे, इट वाज दैट एपिसोड जहां पे सभी गेट्स ड्रंक बाय मिस्टेक और रजत उसके लिए स्टैंड लेता है, देन वी सॉ कि
वो थप्पड़ मारने वाला सीन, ही पुट्स हर इन द शावर सो दैट उसको होश आ जाए एंड ऑल दैट. सो ऑल दी सीन्स आर वेरी क्लासिक. ये क्लासिक शो को बिलोंग करता है. तो आप अपना एक फ्लेवर नहीं लेके आओगे तो लोग तो डेफिनेटली यही सोचेंगे ना कि क्यों देखना हमें ये तो हमने देखा है. एंड दे हैव डन सच अ वंडरफुल जॉब व्हेन दे ओरिजिनली एड. एंड ऐसा नहीं है कि ये रीजनल भी है ना. बाकी बहुत शोज का हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि रीजनल शोज का रीमेक है. तो शायद जो बंगाली शो है वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ने नहीं देखा होगा तो उनके लिए तो वो बिल्कुल भी नया है. बट वेन यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ हिंदी शो अगेन इन टू अनदर हिंदी शो यू हैव टू एंश्योर दैट देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट व्हिच आर वेरी रियल एंड वेरी ट्रू टू द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर शो. तो मुझे लगता है गुम है किसी के प्यार में स्ट्रगलिंग विद दैट एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट दे आर नॉट एबल टू कम अप. जो सेकेंड पोजिशन पे हुआ करता था शो आज हमेशा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जगल करता रहता है. एंड रिसेंटली वी सॉ इट आउट ऑफ द टीआरपी रेस एज वेल. मतलब टॉप फाइव से बाहर भी थे कुछ हफ्ते पहले. तो यही हो रहा है. सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेकिंग अ शो एंड चिपकाना कॉपी पेस्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इट हैज टू बी यूनिक टू द कैरेक्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्केच्ड. सो या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और उड़ने की आशा जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे 2.1 से जो कि लास्ट वीक था ही नहीं टॉप फाइव में. क्या लगता है वो किस रीजन से ऊपर आया है और एडवोकेट अंजलि नीचे चला गया है तो क्या कहोगे आप? उड़ने की आशा में देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्रामा दिस टाइम बिकॉज ऑफ सचिन्स फादर कोलैप्सिंग. मतलब इतना ज्यादा ड्रामा हुआ था उनके घर में जिसकी वजह से सचिन की जो पापा है परेश ही कोलैप्स एंड उसके वजह से बहुत ड्रामा देखने को मिला. मतलब सचिन का क्या हालत हुई थी बिकॉज वो अपने पापा को सबसे ज्यादा मानता है. तो ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट. ही ट्राइड टू फाइंड द हाउस पेपर्स फॉर सेलिंग इट तो वो नहीं हो रहा था. दूसरी तरफ जो साइली है उसको ब्लेम किया जा रहा था फॉर व्हाट एवर वाज हैपनिंग. एंड ऑफ कोर्स हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है व्हेन द फीमेल लीड कैरेक्टर इज ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग. तो वो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता ही है कि उसने कुछ किया नहीं मगर उसके ऊपर सारा दोष आ रहा है. तो आई थिंक जो फैमिली में जो एक मुश्किल हालात थी एंड उससे कैसे ये लोग डील कर रहे थे कितना हार्ड था. इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम. दे हैव टू रियली स्ट्रगल एंड आई फील कि ऑडियंस बहुत ज्यादा उस चीज को रिलेट करती है स्ट्रगल्स. हमारे शोज में जब हमारे लीड कैरेक्टर्स के लिए सब कुछ ईजी हो जाता है दैट इज वेन प्रॉबेबली पीपल डोंट अंडरस्टैंड. जब उनको स्ट्रगल करते दिखाते हैं तो शायद उनको समझ में आता है विच इज वाई प्रॉबेबली उड़ने की आशा जंप फ्रॉम सिक्स टू द फिफ्थ पोजिशन बिकॉज दे हैड दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल एंड ड्रामा एंड इमोशनल एक इंटेंसिटी थी उनके जो 38th वीक के जो एपिसोड्स थे. तो शायद मुझे लगता है इसी वजह से वो अपना एक वापस से अपना एक पोजीशन बना पाए हैं इन टॉप फाइव. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमें तो ड्रामा ही चाहिए. और क्या होता है ना लोगों को लगता है मेल लीड को नीचे करेंगे ना तो और वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन का वो दिखा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मेल लीड वहां पे ऐसा हो ना स्ट्रांगली तो शायद ज्यादा और ज्यादा टीआरपी आती है. लोगों को पसंद होता है. लोगों को कमजोर आदमी नहीं पसंद होते हैं नो मैटर व्हाट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है उसका रीजन ये कि अगर आप आदमी को दबा देते हैं ना तो वो चीज गलत लगती है. जैसे हमने पिछले वीक देखा ओजी यानी आया तो कैसे टीआरपी ऊपर आ गई लेकिन फिर वो ओजी यानी अपने सर्कल में जब जा रहा है तो वहां पे टीआरपी एक ही जगह रुक जाती है टीआरपी नीचे चली जाती है. और यही चीज सचिन के साथ है. जब सचिन के ऊपर कुछ है और वो ज्यादा हाईलाइट हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ऊपर आया है. अनुपमा का तो कहानी ही अलग है. अनुपमा का एक स्ट्रगल ही अलग रहा है. तो उससे तो किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है. लेकिन जहां आप तीन तीन लोग दिखा रहे हैं या आप जहां कपल्स दिखा रहे हैं वहां बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं. तो एनीवेज ये टॉप फाइव रहे हैं. देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन टॉप फाइव की पोजीशन हासिल करता है. अगर आपको हमारे छोटे सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और देखते रहें स्टार प्लस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है. अनुपमा जनक गुम है किसी के प्यार में उड़ने की आशा और दूसरे अदर शो. टेक केयर बाय. हाय आई एम अदिति शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.